इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 1921 तक हम लोग ये समझते थे, हम लोग का मतलब हम इंडियंस ये समझते थे कि हमारा इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, क्योंकि बहुत पुराने समय में हमारे पास हिस्ट्री को जानने का जो सोर्स था वो केवल वेद हुआ करते थे। तो हम सभी लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हिस्टोरियंस ने जो भी इतिहास हमारा लिखा वो वेदों के आधार पर लिखा। वेदों से पहले भी कोई समाज था, सोसाइटी थी या कोई इतिहास था, हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। कब तक? 1921 तक। और फिर 1921 में एक घटना ऐसे घटी जिसने हमको ये बताने का काम किया कि भारत का इतिहास विश्व के इतिहास के जितना पुराना है। और ये घटना थी डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। 1921 में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था हरियाणा के अंदर, और सरकार के जो इंजीनियर थे, सरकार का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, उनकी सुपरविजन में ये सारा काम चल रहा था। जब रेल की पटरी बिछाई जाती है तो नीचे खुदाई करनी पड़ती है, बहुत गहरे तक खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेशर जो होता है रेलवे ट्रैक का वो झेला नहीं जा सकता है। तो गिट्टियां डालनी पड़ती हैं गड्ढा खोद करके, और ट्रैक भी बहुत नीचे, समतलीकरण उसका होता है। तो उसमें कहीं एक टीला इन लोगों को मिला होगा। तो उस टीले की जब जांच करी गई तो पता चला कि इसको हम लोग किसी फावड़े से या किसी यंत्र से हटा नहीं सकते हैं, नीचे जाना पड़ेगा। जब नीचे गए खोदने के लिए तो पता चला यहाँ पे एक शहर होने की संभावना है, और जब उत्खनन किया गया तो पता चला यहां पर एक शहर है। क्योंकि ये जगह का नाम है हड़प्पा जहां पर ये डिस्कवरी हुई, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया 1921 में। ध्यान रहे, इस जमाने तक हमारे देश में किसी भी तरीके का कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं था, कोई पुरातत्वविद नहीं था, इस देश के अंदर एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं था जो इस बात की जांच करके बता सके कि कार्बन डेटिंग क्या होती है या क्या कैसे करना है। खैर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज में अच्छा काम किया और अगले ही साल 1922 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की नींव रखी, स्थापना करी, और जाहिर है कि इसके पहले अध्यक्ष बने होंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी की खोज के ठीक अगले साल यानी कि 1922 में कई सारी साइट्स को लोकेट किया गया जहां जहां पर संभावना थी, और उसी में से एक साइट निकली मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, 1922 में डिस्कवर हुआ, और इसको डिस्कवर किया था राखल दास बैनर्जी ने। जब राखल दास बैनर्जी ने अपनी रिसर्च में बताया कि मोहनजोदारो मेट्रो सिटी के जैसा रहा होगा अपने समय में, और साथ ही साथ पास में इंडस रिवर बह रही है, तो शायद ये सभ्यता इंडस रिवर के आसपास पनपी होगी। बस इसी के चलते एक दो साल बाद इसको ऑफिशियल नेम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इसका पहला नाम क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में इसको कहा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे 1922 में कहा गया, और इस तरीके से हम लोग इंडस वैली की कहानी को शुरू कर देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, और एक सवाल के साथ हम लोग अपनी कहानी शुरू करेंगे। 1921, 1922 दोनों ईयर याद रखिएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी एंड राखल दास बैनर्जी। एक सवाल के साथ हम लोग अपनी कहानी को शुरू करेंगे, और सवाल यह है कि किसी भी सभ्यता का नाम नदी के नाम पर आखिर क्यों रखा जाता है? अगर हम लोग और भी पीछे के समय में चले जाएं तो वैदिक सभ्यता का संबंध भी नदियों से ही है। दुनिया भर के इतिहास की बात करें तो सुमेरियन सिविलाइजेशन है या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये सब नदियों के किनारे ही पनपी। तो नदियों के किनारे का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि उस जमाने में पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं था, हैंड पाइप, समरसिबल या कोई वाटर सप्लाई नहीं हुआ करती थी, पीने के पानी के लिए नदियां ही एकलौती साधन हुआ करती थी। इसलिए सभ्यता वहीं पनपेगी जहां पर नदी होगी, और इस बात के प्रमाण आज भी हमारे सामने है। अगर आप पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लें तो जितने बड़े शहर होंगे सब नदियों के किनारे पर बसे होंगे। उदाहरण के तौर पर कानपुर, गंगा नदी, लंदन चले जाइए, टेम्स, पेरिस, सीन नदी, ऐसा कोई भी बड़ा शहर नहीं जो नदी के किनारे ना हो, क्योंकि नदी ही सभ्यता के जन्म का कारण है।
दूसरा सवाल यह उठता है कि सिविलाइजेशन क्यों, सभ्यता क्या है? तो सभ्यता है समाज का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना। इसके पहले आप लोगों ने जब पाषाण काल पढ़ा स्टोन एज, तो उसमें आपने पाषाण सभ्यता नहीं लिखा, आपने लिखा पाषाण काल स्टोन एज, वहां पे सभ्यता शब्द का यूज क्यों नहीं किया? क्या लिपि है वहां पे? नहीं। लैंग्वेज है? नहीं। सोसाइटी है? नहीं। रिलीजन है? नहीं। सोसाइटी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, और जब होने लग जाएगी तो लोग सिविलाइज्ड होंगे। सिविलाइज्ड होने का, सभ्य होने का मतलब ही यही होता है कि आप एक स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता वो स्वरूप प्राप्त कर चुकी थी। तो इस टॉपिक में एंटर करने से पहले हम लोग सबसे पहले यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह सभ्यता आखिर थी कहां। इतनी पुरानी सभ्यता, आज से करीब 5000 साल हो गए अगर हम लोग जोड़ें तो यह सभ्यता थी कहां, तो मैप के ऊपर देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ हिस्ट्री, यह फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक भूगोल को आप नहीं जानेंगे तब तक इतिहास को नहीं जान पाएंगे, कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैप से हम लोग समझेंगे कि ये सभ्यता कहां पर थी। अगर आपके पास एटलस है तो उस पर मार्किंग कर लीजिए, और नहीं है तो आप बना सकते हैं नक्शा। ये है अविभाजित भारत का वो नक्शा जहां पर सभ्यता के मिलने के प्रमाण थे। क्योंकि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे इंडस रिवर बना लेते हैं, लेक मानसरोवर के पास रॉकस लेक, और वहां से इस तरीके से निकली इंडस रिवर, अरेबियन सी के अंदर गिरी। तो ये मैप आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन का मैप है। अब ये सिविलाइजेशन कहां पर थी, तो अगर हम लोग इसके एविडेंस की बात करें तो हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेंगे। ईस्ट में ये पॉइंट है, वेस्ट में ये पॉइंट है, यहां पर नॉर्थ में ये पॉइंट है, और साउथ में यहां पर ये पॉइंट है। इस सभ्यता के अवशेष पूरब में हमें मिलते हैं आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर ये जो जगह है ये मेरठ में है, इससे ज्यादा पूरब में हमें इस सभ्यता का कोई अवशेष नहीं मिला। इसी तरीके से जब हम लोग पश्चिम की बात करेंगे तो यहां पर मिला हमें सुत कंगडोर, ये जगह जो है ये वर्तमान बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। सुत कंगडोर के वेस्ट में हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। इसी तरीके से नॉर्थ की बात करेंगे तो ये है मांडा, कश्मीर में ये जगह है, और मांडा से नॉर्थ में हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता। और अगर हम लोग साउथ की बात करेंगे तो साउथ में है दायमाबाद, ये जगह है महाराष्ट्र में, और दायमाबाद के दक्षिण में हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता। अब अगर आप इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिला दें कुछ इस तरीके से, तो ये इस सिविलाइजेशन का मैप निकल करके आ जाएगा। ये है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी मैप को अगर हम लोग यहां पे बाहर निकालें तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड सिविलाइजेशन है, ये त्रिकोणीय बसी हुई सभ्यता थी ये। तो इसके चारों पॉइंट्स याद रखिए, और सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाता है कि विच वॉज द मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द सिविलाइजेशन, या वेस्टर्न या नॉर्दर्न या साउदर्न। तो ये चारों जगहों के नाम याद रखना। अच्छा, एक सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि इन चारों जगहों में से पोर्ट कहां आपको नजर आता है, तो इन चारों जगहों में से वो कोई जगह है जो पोर्ट के रूप में दिख रही है आपको, सुत कंगडोर। सुत कंगडोर देखिए पोर्ट है, पानी के पास है ना, अरब सागर के पास है, तो ये पोर्ट है, ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा पोर्ट था। यहां से हमें घोड़े के एविडेंस मिलते हैं, घोड़े का अस्थि पंजर यहां से मिलता है, स्केलेटन हमें मिलता है। तो यहां से भी एक सवाल ये पैदा होता था कि क्या भाई ये इंडस वैली के लोग घोड़े के बारे में जानते थे, तो नहीं, घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। तो एविडेंस कैसे मिला? एविडेंस ऐसे मिलता है कि यहां पे अरबी व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए, उस जमाने में भी यहां का ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बड़ा हुआ करता था। तो जब भी कोई यहां पर ट्रेड करने के लिए आता था तो वो पानी के जहाजों से आता था, इस तरीके से गल्फ ऑफ पर्शिया या गल्फ ऑफ अदन से लोग आते थे और अपना पानी का जहाज यहां पर रोक करके इस पोर्ट पर फिर आगे जाते थे यहां पर बिजनेस करने के लिए।
और वो अपने साथ पानी के जहाजों में घोड़े लाद करके लाते थे ताकि घोड़ों के सहारे से आगे का रास्ता आसानी से तय किया जा सके। लेकिन ये जो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन है ये घोड़ों के लिए अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ के मौसम में जलवायु में घोड़े मर जाते हैं। आजकल तो घोड़ों का डोमेस्टिफिकेशन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हो सकता है कि कोई घोड़ा मर गया हो और उन्होंने मरे हुए घोड़े को वहीं पे छोड़ने का फैसला किया और छोड़ करके चले गए हो, या हो सकता है मरे हुए घोड़े को वहीं पे दफना दिया गया और चले गए हो। तो इस तरीके से हमें एविडेंस तो मिल जाते हैं, लेकिन बाकी पूरी सिविलाइजेशन में घोड़ों का हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है। तो सुतकंगडोर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी बात को लेकर के है कि एक तो ये सभ्यता का सबसे बड़ा पोर्ट है और दूसरी चीज यहां से हमें घोड़ों के एविडेंस मिलते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर इस सभ्यता के सबसे बड़े नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो यहां पर है। आप देख रहे हैं कि इंडस रिवर के ठीक बगल में है। मोहनजोदड़ो का नाम मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा? क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इस समय ये जो है ये वर्तमान पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर चार प्रोविंसेस हैं। ये है यहां पर पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। नदी के उस पार निकल जाएंगे तो ये पश्तूनिया है, यहां पर पाश्तोज रहते हैं। फिर नीचे आएंगे तो ये है सिंध, और फिर इस साइड पर आएंगे तो ये है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के चार प्रांत। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा सिंधु नदी से हुआ था। हिंदुस्तान के हिस्से में इंडस रिवर और उसके इधर का एरिया आता था। उस तरफ सब कुछ या तो अफगानिस्तान था और या तो ईरान था। तो हमने पाकिस्तान के रूप में पंजाब और सिंध दे दिया था। बाद में डिस्प्यूट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, और ऐसा कहते हैं कि ये वाला पूरा एरिया जो है पाश्तो वाला एरिया ये इन्होंने अफगानिस्तान से छीना हुआ है, और ये बलूचिस्तान वाला एरिया इन्होंने ईरान से छीना हुआ है। यही रीजन है कि ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान की जान के दुश्मन है, और आए दिन ये सब जो टेररिस्ट अटैक्स यहां पर होते हैं ये सब इसी का परिणाम है। अब हमारा राष्ट्रगान भी अगर आप उठा के देखेंगे ना तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, ये इंडियन स्टेट्स आज भी एज इट इज हमारे नेशनल एंथम में। कभी कभी इसके ऊपर डिस्प्यूट भी होता है कि क्यों, जब सिंध हमारा है ही नहीं अब तो सिंध क्यों राष्ट्रगान में है? तो जब राष्ट्रगान लिखा गया तब सिंध हमारा था, चिंता की कोई बात नहीं है, ईश्वर पे और सरकार पे भरोसा रखिए, हो सकता है भविष्य में फिर हमारा हो। ठीक है, तो ये सिंध प्रांत के अंदर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है मृतकों का टीला। जब यहां की खुदाई हुई तो यहां पर कुछ कब्रें इस तरीके से मिली, ये देखिए टीलों के ऊपर गड़ी हुई, तो मृतकों का टीला, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है घुमा घुमा के मोहनजोदड़ो के बारे में, तो आप इसको मृतकों का टीला कहिए, या सीधे तौर पर पूछा जाएगा पहाड़ों के ऊपर कहां पर डेड बॉडीज मिलती हैं, तो वो मोहनजोदड़ो के अंदर मिलती हैं। सभ्यता का एकलौता मेट्रो सिटी है ये, ठीक है, सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की और भी कई सारी विशेषताएं हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, कहां पर थी और हमको अब क्या पढ़ना है। क्लियर है सभी लोगों को? इतनी कहानी में कोई डाउट? अब हम लोग चलते हैं सभ्यता के अंदर और देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का समाज कैसा है, और इस सिविलाइजेशन की आज इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इसके अंदर चलने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये सभ्यता कब से लेकर के कब तक रही, टाइम पीरियड को भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो अगेन फिर यहां पे कार्बन डेटिंग आ जाएगी, और कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से लेकर के और करीब 1700 बीसी तक ये सिविलाइजेशन थी। अब यहां पे डेट्स में डिफरेंस हो सकता है, कुछ इतिहासकार यहां पे 150 साल आगे पीछे की भी डेट देते हैं, एनसीईआरटी की अपनी अलग डेट्स होती हैं, लेकिन ध्यान रहे डेट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बस इतना सभी लोग मानते हैं कि जब सन 2000 बीसी रहा होगा तब ये सभ्यता अपने चरम पर पहुंची होगी। इसका जो गोल्डन पीरियड रहा होगा वो 2000 बीसी के आसपास रहा होगा, और आज हम लोग 2000 एडी में जी रहे हैं। ये 2000 बीसी में अपने गोल्डन पीरियड पे थी। तो अगर आप डायरेक्ट टाइम कैलकुलेट भी करेंगे तो आज से 4000 साल पहले की सभ्यता आप पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हम करीब 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो ये इसका समय निर्धारण हो गया। इसके बाद एक लिंक मैं आपको देता हूं, और उसी लिंक के सहारे इस सिविलाइजेशन को आप आगे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
और ये लिंक है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, आप इस लाइन को लिख लीजिए, ये बड़ी प्यारी लाइन है, ये पूरी सभ्यता आपको क्लियर करा देगी। फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के प्रथम प्रमाण। कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन या नगरीकरण के प्रथम प्रमाण हमें कहां पर मिलते हैं, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं। अब ये नगरीकरण क्या है और ये सभ्यता नगरीकृत कैसे बन गई? आम लोग जो कि अभी अभी स्टोन एज से निकले हुए हैं, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किए हुए हैं, इन लोगों ने अचानक से एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर लिया जो अर्बनाइज्ड है, तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। यही रीजन है कि आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कोई ठीक ठाक नहीं बता पाता है। जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, बातें केवल उन्हीं के आधार पर होती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भाषा के बारे में जानते थे, इनकी अपनी एक लेखन कला भी थी, और करीब 300 टाइप के अल्फाबेट्स भी हमको यहां पर मिल चुके हैं जिनको हम लोग पहचान चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हम इनकी लिखावट पढ़ नहीं पाए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हम लोग इसको प्रोटो हिस्टोरिक एरा में रखते हैं क्योंकि लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए हैं। अगर भविष्य में कभी इनकी भाषा हम लोग पढ़ पाए, उसको डिकोड कर पाए, तो हमारे पास में लिटरेरी एविडेंस भी आ जाएंगे और साथ ही साथ सभ्यता के कई सारे रहस्य भी हम लोग सुलझा सकेंगे जो आज हम लोग केवल सोच सकते हैं कि नहीं ऐसा रहा होगा। तो ये भी एक यहाँ पे समस्या निकल करके आती है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो ये नगरीकरण होता क्या है? नगरीकरण का अर्थ है नगरों को बसाना। कैसे नगर? जो पक्के घरों से निर्मित होंगे, ऐसे नगर जहां पर ग्रामीण जनसंख्या नहीं रहती होगी। नगर का मतलब क्या है? गांव नहीं है, गांव और नगर में यही अंतर है। नगर में जैसे ही आप आ जाते हैं तो फिर खेती बाड़ी का काम यहां पर खत्म हो जाता है, लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करने लगते हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है, मकान पक्के बने होते हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनने लगते हैं। तो ये सब लोगों ने 4000 साल पहले किया। अब अर्बनाइजेशन की बात जहां पर आती है तो उसके लिए एक एविडेंस हमारे पास है कि हम क्यों इस सभ्यता को अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की विशेषता रही ग्रीड सिस्टम। अर्बनाइजेशन में भी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको ग्रीड सिस्टम कहा जाता है। ग्रीड पद्धति क्या होती है, ये भी क्वेश्चन काफी फेमस रहा है। तो ग्रीड सिस्टम में, ये मैं मोहनजोदारो की बात कर रहा हूं क्योंकि ये एविडेंस यहीं से मिला हुआ है। ग्रीड सिस्टम में ऐसा माना गया कि जब लोगों ने नगर बसाया होगा तो सबसे पहले उन्होंने इस तरीके से रोड्स बनाई होंगी। इन रोड्स को आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले रोड कुछ उस तरीके से जिस तरीके से आज हमारे यहां केडीए की प्लॉटिंग होती है। और रोड्स को बनाने के बाद इन्होंने यहां पर मेन हॉल, नीचे नालियां डाली और यहां पर बीचों बीच इन्होंने चैम्बर बनाया। जब कभी भी रोड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटें तो बस इसी कॉन्सेप्ट को ग्रीड कहा जाता है। ग्रीड का मतलब सड़कों का एक दूसरे को 90 अंश पर काटना। जब ये तैयार हो गया पूरा खाका, इसके बाद इन्होंने सड़क के किनारों पर इस तरीके से घर बनाने शुरू किए। और ध्यान रहे ये घर कई जगहों पर हमें मल्टी स्टोरीड मिले हैं, तो इस समय में भी लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की कला जानते थे। और इन घरों के जो दरवाजे हैं, जो मुख्य द्वार है, वो सड़क के ऊपर ना खुल करके पीछे की तरफ खुलता था क्योंकि शायद लोग बड़े डिसेंट और सिविलाइज्ड रहे होंगे तो पीछे के दरवाजे से लोग निकलते थे और फिर एक मैदान रहा होगा जहां बच्चे खेला कूदा करते थे अपना। मेन रोड की साइड पे एक खिड़की मिली है और ये खिड़की सड़क के ऊपर होने वाले क्रियाकलापों के बारे में बताएगी। कुछ घर ऐसे भी हैं जहां पर मिट्टी के घड़े खिड़की के बाहर रखे हुए मिले हैं ताकि कोई राहगीर अगर प्यासा जा रहा है तो उसको पानी की व्यवस्था हो सके। इसी तरीके से अगर यहां पर रिवर बहती हुई मान ली जाए तो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी इनके पास था कि पीछे के साइड ये लोग नदी के पानी को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते थे। यहां से पानी भर के लाया जाता था पीने के लिए और इधर ये पूरा सीवर बहा देते थे और पानी का फ्लो था इस तरीके से।
तो नदी को साफ रखने की भी एक टेक्निक इनके पास थी कि पीछे के पानी को पीने में यूज करते थे और आगे के पानी को सीवर बहाने के रूप में यूज करते थे और नदी का फ्लो इस तरीके से है तो पानी बह जाएगा। अब ये जो सिटी यहां पे आपको नजर आ रहा है, इट वॉज कवर्ड बाई अ ह्यूज बाउंड्री वॉल, एक बहुत बड़ी दीवार से कवर्ड भी था जिसको दुर्ग कहा गया, और उसके अंदर ये सब रहते थे। जो थोड़े एलीट क्लास के लोग हैं, जो थोड़ा सा रिच लोग हैं, वो ऊपर रहते हैं पहाड़ियों में रहते हैं, और जो आम लोग हैं वो नीचे रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ की टाउन प्लानिंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी टाउन प्लानिंग ही पूछी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। तो नगर योजना का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो क्या है, ग्रीड सिस्टम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो ये होता है ग्रीड सिस्टम। अब जरा बताइए कि इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको? अच्छे से बात समझ में आ गई? कुछ नोट करना है? नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। एक लाइन आप लोगों ने लिखी कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब दूसरी लाइन लिखिए, इस सभ्यता को समझने के लिए दूसरा लिंक लीजिए, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था। यह इस सभ्यता की एक ऐसी क्वालिटी है जो इसको बहुत महान बनाती है। और मैं बार बार हमेशा यही समझाता हूं हर क्लास में कि अगर इंडस वैली के जैसी सोसाइटी आज कायम हो जाए, इस तरीके की व्यवस्था आज हो जाए, तो शायद हमारा देश और पूरी दुनिया का बहुत कल्याण हो जाएगा। फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां पे औरतों का प्रभुत्व हो। उदाहरण के तौर पर जब भी हम लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं तो आपने कई सारे परिवार देखे होंगे, और सबसे पहले तो अपना परिवार देखा होगा, तो कुछ लोगों के परिवारों में उनके पिताजी का बोलबाला होगा, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाएगी, किसी की नहीं। मम्मी का मतलब कुछ नहीं, मम्मी इसी बात से जिंदगी भर परेशान भी रहती होंगी। और कुछ परिवार आपने ऐसे देखे होंगे जहां मम्मी का बोलबाला होगा, पिताजी सैलरी लाके या जो भी कमाई है लाके मम्मी के हाथ में रख देते होंगे, बाकी सिस्टम मम्मी को मैनेज करना है, पापा को 10 रुपए भी चाहिए होंगे तो मम्मी से मांगेंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, तो ऐसे परिवार को कहते हैं फीमेल डोमिनेटिंग। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, फीमेल डोमिनेटिंग फैमिलीज ज्यादा तरक्की करती हैं, उनका घर ज्यादा अच्छी तरीके से चलता है, क्योंकि औरतों का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है इन सब कामों में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम लोग जाएं तो यहां पे हमें फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मिलती है जिसमें महिलाओं का प्रभुत्व है, महिलाएं प्रशासन में भाग लेती हैं, ऐसे एविडेंस हमें मिले यहां से। एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं हैं, रूलिंग पार्टी में महिलाएं होती हैं, कई बार राज परिवारों की लड़कियां ही शासन चलाती हैं, ऐसी भी व्यवस्था हमें यहां देखने की मिलती है। लेकिन दो एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले लोगों की ये आइडियोलॉजी रही होगी। द फर्स्ट एविडेंस इज द मदरलैंड, मातृ देवी की मूर्ति, बेलन घाटी मिर्जापुर में मिलती है, और कहते हैं कि मूर्ति के रूप में सबसे पहले अगर किसी देवी देवता को पूजा गया तो मातृ देवी को ही पूजा गया, मदरलैंड को पूजा गया। तो मातृ देवी की उपासना यह बताती है कि देवियों को ये लोग पूज रहे हैं, तो मतलब फैमिली जो है वो फीमेल डोमिनेटिंग होगी। और दूसरा जो एविडेंस हमें मिलता है वो है लिंग और योनि की पूजा। आगे जब आप शिव जी के बारे में पढ़ेंगे तब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन लिंग और योनि की पूजा जो है वो सृष्टि की रचना का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई समाज फीमेल जेनेटल ऑर्गन या वजाइना को पूज रहा है तो इसका मतलब वो ओरिजिन को पूज रहा है। वजाइना को पूजने का मतलब हुआ कि आप एक ऐसी स्थान की पूजा कर रहे हैं जहां से सृष्टि की रचना हुई है। तो यहां पे चाहे यज्ञ हो, बुझे हुए यज्ञ हमें मिले हैं, कर्मकांडों के एविडेंस मिले हैं, और स्पष्ट प्रमाण इस चीज के हैं कि लोग लिंग और योनि को पूजते थे। आगे चल के जब शिव का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो कई हजार साल बाद गुप्त काल में आएगा, तो वहां पे भी आप लोग देखते हैं कि शिवलिंग जो है वो लिंग का कॉन्सेप्ट है, और शिवलिंग हमेशा एक स्टैंड के ऊपर रखा होता है जिसका शेप कुछ कुछ योनि के जैसा होता है, एक वजाइना के जैसा होता है, और वो उसके ऊपर जो रखा होता है वो ओरिजिन का प्रतीक है, उसको पूजा जाता है कि ये सृष्टि है, यहीं से सब जन्मे हैं। तो अगर इस टाइप के थॉट रहे होंगे लोगों के, तो आप समझ गए ना कि जो व्यक्ति वजाइना को पूज सकता है, जो योनि की उपासना करता होगा, वो उसको रेप कभी नहीं कर सकता है।
इस तरीके के महान कॉन्सेप्ट यहां पर रहे, इसीलिए कहा गया कि ये फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। लेकिन आज दोपहर को जब एक समाचार कानों में पड़ा तो बड़ा दुख हुआ। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बाहुबली मूवी में एक डायलॉग मैंने सुना था राजमाता के मुंह से कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात आज एक बार फिर सिद्ध हुई जब कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस के एक एमएलए ने शर्मनाक बयान दिया, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। अपने बयान में कहते हैं कि अगर लड़कियां रेप से नहीं बच सकती तो उसको एंजॉय करना सीखें। ये आपके चुने हुए प्रतिनिधि ने बयान दिया है और दोपहर से इस बात को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। कर्नाटक असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर माननीय विधायक ने यह बयान दिया है। कांग्रेस के विधायक हैं, नाम लेना उचित नहीं है, जब पार्टी से निकाले जाएंगे तो नाम आपको खुद ही पता चल जाएगा। सोचिए इस देश में ऐसी सोच के लोग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर कम से कम वापस आ जाए, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी होने लगे, तो इस देश की आधी समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और यह बयान उन्होंने कब दिया भाई साहब ने, जब लड़कियों की शादी की उम्र कल 18 से बढ़ा करके 21 करी गई। अब 21 साल के पहले लड़कियों की शादी कोई नहीं कर सकेगा, अभी तक 18 एज थी, अब कल से ये 21 हो गई है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। एक और जहां अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही कि अगर लड़की की शादी 21 साल में होगी तो अब उसे पढ़ने के ज्यादा मौके मिलेंगे। लड़की की उम्र 18 का मतलब लड़की ने 12th पास किया है, अभी 12th के बाद उसकी शादी हो जाएगी। 12th के बाद ही लड़कियों के ऊपर सारे बंधन लगा दिए जाते हैं कि नहीं अब तुम्हारी शादी होनी है। 21 का मतलब ग्रेजुएशन तो कर लेगी। तो समाजवादी पार्टी के एक महान सांसद है शफीउर रहमान, बहुत बुजुर्ग हैं बेचारे, 92-93 साल के होंगे इस समय। दोपहर को उन्होंने भी एक शानदार वक्तव्य दिया, कहते हैं कि लड़कियों की शादी की सही उम्र तो 14 साल है। चौदह साल लड़कियों की उम्र पता है कहां लिखी है, शरीयत में लिखी है। तो ये लोग शरीयत के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए इनको 14 साल की लड़की शादी लायक दिख जाती है। हमारे साथ तो 14 साल के, जब हम तो 14 साल की लड़कियां क्रिकेट खेलती थी, मेरी राखी सिस्टर मेरे घर के बगल में रहती थी श्रुति, और दिन भर हम लोग दमादम मैच खेलते थे। अब वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट बन गई है, वो अभी कल ही आई, वो लौट के तो उसको रिसीव करने में गया था। तो हम लोग तो ऐसे सब समाज में पले बड़े जहां पे हम लड़के लड़की साथ में क्रिकेट खेलते थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराती थी वो। वो कह रहे हैं 14 साल की उम्र शादी की उम्र है, गलत बात। ये दोनों समाज का कंपैरिजन आपके सामने है। आप आज की सोसाइटी को देख लीजिए और आप इस समय की सोसाइटी को देख लीजिए। आपको क्या लगता है बेहतर कौन था? बेहतरीन, बेहतर भी नहीं, बेहतरीन, बेहतर से भी ऊपर। तो ये दूसरा लिंक जो आपके पास है ना, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेवल है वो बहुत ऊपर कर देता है। इसीलिए इसको बार बार पढ़ना चाहिए, और हर बार जब आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें से नई चीज निकलेगी। अब आते हैं तीसरे लिंक के ऊपर, थर्ड पॉइंट। आपने सबसे पहले पढ़ा अर्बनाइजेशन, फिर आपने पढ़ा सोसाइटी, सोसाइटी फीमेल डोमिनेटिंग है। तीसरे नंबर पर लिखिए रिलीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलीजन। क्या आप सभी लोग प्राकृतिक धर्म के बारे में अच्छे से समझ गए? नदी से पानी पिया, पूज लिया, वृक्ष से फल तोड़ा, पूज लिया, पर्वतों को पूज लिया, सूरज को पूज लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब लोग शहरों में रहने लगे हैं, और जहां तक मेरा अनुभव कहता है, मेरा अनुभव गलत भी हो सकता है, बार बार ये ना समझना कि सर जब जब बोलें कि मेरा अनुभव कहता है तो मतलब इनका अनुभव कोई द्रोणाचार्य का अनुभव है, नहीं, गलत भी हो सकता है, हो सकता है आपका अनुभव सही हो। मेरा अनुभव ये कहता है कि पूजा पाठ वो व्यक्ति ज्यादा करता है जो खाली होता है। खाली, किसी किसी का खाली दिमाग शैतान का घर, तो कोई कोई खाली होता है तो पूजा करता है। अब कोई काम नहीं है घर में तो सुबह उठे अपना नहा धो लिया, 4-5 घंटा पूजा ही कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोगों की मम्मियां जो हाउस वाइफ हैं, जिनका घर में कोई रोल नहीं है, बाहर नहीं जाना है, मार्केट में जाना है, 2-3 घंटा उनकी पूजा चलती है। अच्छा, हम लोग क्या बमुश्किल भगवान की तरफ देख भी पाते हैं, जब तक कोई दुख मुसीबत बड़ी परेशानी ना हो तब तक भगवान की तरफ देखते भी नहीं है। तो खाली लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक लोग खाली थे यानी कि स्टोन एज में, तब तक वो प्रकृति की पूजा करते रहे। लेकिन जैसे ही वो सिविलाइज्ड हो गए, उनके पास समय नहीं था,
अब आप देख रहे हैं कि ये लोग ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, इनके पास बड़े बड़े पोर्ट है। लोथल गुजरात के अंदर जाइए, इतनी जबरदस्त साइट है, आपको देख के मजा आ जाएगी। लोथल है, सुतकंगडोर है, मोहनजोदड़ो है, अभी यहां पे काली बंगा आएगा राजस्थान में, काली चूड़ियों के एविडेंस यहां से मिलते हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं। हीरे जवाहरात का व्यापार कर रहे हैं, रत्नों का व्यापार कर रहे हैं, खिलौने बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं, फाइन आर्ट है इनकी। तो जब ये दिन रात तरक्की करने में लगे हुए हैं, व्यापार करने में लगे हुए हैं, तो आप खुद ही बताइए ये पूजा पाठ कर पाएंगे, इनके पास इतना समय होगा? बार बार जाएंगे नदी को पैर छूने, सूरज को नमन करने? नहीं ना। तो बैठी होगी एक मंडली, ये केवल अनुमान है, बैठी होगी एक मंडली, और मंडली ने यह तय किया होगा कि क्यों ना प्रकृति की उपासना करने की बजाय, क्योंकि समय नहीं है, तो सारी प्रकृति को मिला करके एक मूर्ति बना ली जाए और प्रकृति पूजा के तौर पर उसी मूर्ति को पूजा जाए, और वो मूर्ति सिंबल होगी नेचर का, क्योंकि समय है नहीं हम लोग के पास, तो सब लोगों ने मिलकर मूर्ति बनाई एक। और उस मूर्ति को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि नेचर को ही रिप्रेजेंट करे वो मूर्ति, उस मूर्ति में प्रकृति भी हो, उस मूर्ति में जीव भी हो, उस मूर्ति में वृक्ष भी हो, जानवर भी हो, सब कुछ हो। और जब वो मूर्ति बना करके तैयार करी गई तो उस मूर्ति को हम लोगों ने नाम दिया, उन लोगों ने जो भी नाम दिया हम तो पढ़ नहीं पाए, हम लोगों ने नाम दिया पशुपति। गर्दन के नीचे का धड़ इंसान का, गर्दन के नीचे का धड़ इंसान का, और गर्दन के ऊपर का धड़ जानवर का, और दो बड़ी बड़ी सींगे, और अगल बगल पेड़ लगे हुए हैं, कुछ जीव जंतु घूम रहे हैं। और ये जो मूर्ति हमें मिली ये फिजिकली कहीं पर नहीं मिलती है, ये एक सील के ऊपर मिलती है, मुहरे हैं ना यहाँ पे, तो एक मुहर के ऊपर ये मूर्ति हमको इस तरीके से मिलती है इस मुद्रा में, और इसी मूर्ति को शायद हम लोग आज शिव के रूप में पूजते हैं। शिव की पूजा का जो प्रावधान है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की देन है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलीजन से रिलेटेड क्या है कि शिव की पूजा के प्रथम प्रमाण, द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ द शिव, हमको कहां मिलते हैं? इंडस वैली में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? पशुपति के रूप में मिलते हैं, आधा पशु आधा मनुष्य। और कहां पर मिलते हैं? तो एक सील, एक मुहर के ऊपर मिलते हैं। ये सारे एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन चर्चा करने के बाद। लिख लिया। अब एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि शिव कौन है, शिव क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नेचर, प्रकृति। नदी क्या है? शिव। पर्वत क्या है? शिव। सूरज, चंदा, जंगल, मिट्टी, खेत, सब शिव है। लेकिन जब हम सारी चीजों को अलग अलग नहीं पूछ पाए तो अपना समय बचाने के लिए हमने एक मूर्ति बना ली, नाम दिया पशुपति, और पशुपति अभी भी प्रकृति के रूप में पूजे जा रहे हैं। कल जब मैं आपको पशुपति की सील दिखाऊंगा तो आपको देख के हैरानी होगी कि शिव को पहली बार जब पूजा गया तो इस तरीके से पूजा गया था, और आज शिव को पूजा जाता है तो अलग तरीके से पूजा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर आता है कि ये शिवलिंग फिर क्या है? तो शिवलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आता है। ध्यान रहे, इंडस वैली में शिव को लिंग के रूप में नहीं पूजा गया। शिव की उपासना के तीन साधन हैं। आप शिव को प्रगति के रूप में पूजिए, जो बेस्ट साधन है। दूसरा साधन है शिव को गृहस्थ रूप में पूजिए, शिव पार्वती के रूप में पूजिए। और तीसरा साधन है लिंग के रूप में पूजिए। तो गृहस्थ और लिंग के रूप में जो उपासना का प्रावधान है यह गुप्त काल में आता है, जब पहली बार मंदिर बनते हैं। यहां पर अभी तक कोई मंदिर नहीं है और ना होगा। स्टोन एज में कोई मंदिर नहीं है, इंडस वैली में कोई मंदिर नहीं है, वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आता है। तो शिव के बारे में क्लियर हो गया, शिव क्या है? प्रकृति है, हर वो चीज जो प्राकृतिक है वो शिव है। और प्रकृति का मतलब अंग्रेजी में नेचर, नेचर का मतलब किसी का स्वभाव। तो शिव एक स्वभाव है, और वो कैसा स्वभाव है? जो सबका भला चाहते हैं। तो वो जो आधा इंसान और आधा जानवर वाले शिव थे, वो धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होते होते आज जाकर के सिक्स पैक वाले शिव हो गए। गलत बात। एक सवाल यहां से और उत्पन्न होता है कि शिव तांडव क्या है फिर, शिव महापुराण क्या है फिर, गणेश भगवान कौन है फिर, कार्तिक कौन है फिर, ये सब क्या है फिर? तो हर माइथोलॉजी को कहीं ना कहीं एक कहानी से गढ़ना पड़ेगा।
प्रकृति के रूप में शिव की पूजा का प्रावधान इंडस वैली से शुरू होता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब लोगों की क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं अब बताओ भाई ये कौन है, तब जाकर पुराण लिखा गया। और पुराणों के ऊपर कभी बहस करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये माइथोलॉजी है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं होता है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अगर आपको पढ़ना है तो केवल वेद पढ़िए। 18 पुराण है जो कई हजार सालों में लिखे गए, और जो शिव महापुराण है उसकी रचना गुप्त काल के दौरान हुई होगी। तो इसलिए महापुराण का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, शिव पार्वती नंदी कैलाश ये सब कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, केवल शिव का एक ही कॉन्सेप्ट है प्रकृति। हर वो चीज जो प्राकृतिक है वो शिव है, हर वो चीज जिसको छू करके आप प्रकृति का एहसास कर सकते हैं वो शिव है। इसीलिए कहते हैं कण कण में शिव है। उसके लिए कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे आपको जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बाद में आते हैं। तो धर्म के रूप में आपने देखा कि कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन शिव के प्राइमरी एविडेंस हमको ये बता रहे हैं कि अब प्रकृति को एक मूर्ति का आकार दे दिया गया है। साथ ही साथ धर्म के नाम पे हमें यहां पर यज्ञ के एविडेंस मिलते हैं, यज्ञ के एविडेंस मिलते हैं, यज्ञ भी हैं, यज्ञ वेदियां यहां पर मिली हैं। लेकिन इस काल के यज्ञ में और वैदिक काल के यज्ञ में एक अंतर है। वो अंतर यह है कि वैदिक काल के जो यज्ञ वेदियां हमें मिली हैं खुदाई के दौरान, उसमें कर्मकांड के एविडेंस हैं। कर्मकांड के एविडेंस का मतलब चावल पड़ा है, रोली पड़ी है, और क्या बोलते हैं उसको, वो भी पड़ा हुआ है, नहीं स्वाहा करने वाला क्या बोलते हैं उसको, हवन सामग्री पड़ी हुई है, ये सब पड़ी हुई है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं, यहां पे केवल यज्ञ, यज्ञ, क्योंकि यज्ञ का मतलब था एक हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो धर्म के नाम पे दो चीजें हैं, शिव है यहां पर, यज्ञ है। यज्ञ किस रूप में है? बिना कर्मकांड के हैं। और शिव किस रूप में है? प्रकृति के रूप में है। क्लियर, ये हो गई धर्म की बात। इसके बाद अगला नंबर आता है यहां का ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य। तो लिखिए व्यापार एवं वाणिज्य। ट्रेड एंड कॉमर्स को समझने के लिए एक लाइन जो सभ्यता की शुरुआत में ही कह दी जाती है, जिसको मैं आखिरी में कह रहा हूं, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉपर सिविलाइजेशन। हम इसे ताम्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट यूज ऑफ मेटल हमको यहां पर मिला। इतिहास में पहली बार अगर किसी धातु का प्रयोग किया गया तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया। अच्छा, कॉपर को जब भी यूज हम लोग करेंगे तो कॉपर को कहां से निकालेंगे? किसी ना किसी रॉक से ही निकालेंगे। उसके लिए हमें मेटलर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडस वैली के जो लोग थे वो मेटलर्जी के बारे में जानते थे। अगर वो कॉपर को यूज करते थे तो बिना मेटलर्जी के तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है कि दे नो वेल अबाउट द मेटलर्जी, धातु कर्म से परिचित थे। और हमें यहां पे कॉपर का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, सीधा कहीं पे कॉपर नहीं मिलता है। यहां पे हमें मिलता है ब्रॉन्ज, कांसा, द डांसिंग गर्ल, एक लड़की की मूर्ति मिलती है जो डांस कर रही है और वो कांसे की बनी हुई है। एक राजा की मूर्ति मिलती है कांसे की बनी हुई है। कांसे के बने हुए और भी कई सारे उपकरण हमें मिलते हैं। अब ये कांसा बनता कैसे, ब्रॉन्ज कैसे बनता है? तो जब कॉपर में टिन मिलाया जाता है तभी तो बनता है ना, जब तांबे में जस्ता मिलाएंगे तब तो कांसा बनेगा। तो इसका मतलब बिना कॉपर के बारे में जाने कांसा नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि ये लोग कॉपर के बारे में जानते थे। तो ब्रॉन्ज के बहुत सारे मटेरियल हमें यहां से मिलते हैं, ये भी पॉइंट इसमें आपको लिखना है, जिसमें सबसे फेमस जो है वो है द डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति, एक लड़की है जो डांस की मुद्रा में है, वो हमें मिलती है। कॉपर के बने हुए और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं यहां पर, जिनका ये लोग ट्रेड करने के दौरान उपयोग करते रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा यहां पर एग्रीकल्चर भी होती थी। ध्यान रहे, अभी मैंने कल आपको मना किया कि एग्रीकल्चर नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें हल की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, और लोहा इंडस वैली में भी नहीं है। तो फिर कैसी एग्रीकल्चर होती होगी? यहां भी उसी टाइप की होती होगी। तो यहां पर एग्रीकल्चर के रूप में कपास, मेन जो इनकी क्रॉप थी वो थी कपास, कॉटन।
और कपास से लोग कपड़ा बनाते थे और उसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेड करते थे। कपास के अलावा यहां पे हमें गेहूं के एविडेंस भी मिले हैं, क्योंकि इनके पास कॉपर, इनके पास ब्रॉन्ज है, तो कुछ ना कुछ टेक्निक तो इन्होंने लगाई ही होगी। और गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो गेहूं के भी हमें यहां पर प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रहे, ये लोग सोने के बारे में भी जानते थे, गोल्ड से ये लोग परिचित थे। यहां पर हमें गोल्ड ब्रिक्स की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा ज्वेलरी, टॉयज, ये इनके व्यापार के प्रमुख साधन थे। इनके द्वारा बनाई गई ज्वेलरी जब आप लोग देखेंगे कल, तो आपका मन मोहित हो जाएगा उसके ऊपर। इतनी सुंदर ज्वेलरी इन लोगों ने बनाई थी और उसको बेचते थे ये लोग। आज अगर इनके द्वारा बनाई गई ज्वेलरी को किसी ऑक्शन में रखा जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में होगी, कल मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरों में। इसके अलावा खिलौने, और सबसे मजे की बात यह है कि जब इनके खिलौनों को हम लोग देखते हैं तो वो मिट्टी के बने हुए हैं, और मिट्टी की बैलगाड़ी है, मिट्टी की घोड़ा गाड़ी है। और परसों हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि आप बनाएंगे वही चीज जो आपने देखी होगी। तो खिलौने देख करके ये आइडिया लगता है कि गाड़ियां होंगी तब तो खिलौने के रूप में बनाई गई। बैलों से ये लोग खेती करवाते होंगे तब ना उनको गाड़ियों में इन लोगों ने जोड़ा। तो ये भी चीज हमको यहां से सीखने के लिए मिलती है। तो व्यापार और वाणिज्य में क्या क्या हो गया, सबसे पहले हो गया कॉटन, इसके अलावा हो गया गेहूं, इसके अलावा हो गया महंगी ज्वेलरी, बच्चों के खिलौने और वस्त्र, ये सब इनके व्यापार करने का तरीका था। और ये सारी चीजें अगर आप देखें इनके ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो आपको पता चलता है कि ये सब सर्विस सेक्टर का है। ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, इनमें कोई प्राइमरी सेक्टर तो नहीं है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है। सर्विस सेक्टर था इनके पास, इनके पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर नहीं था। इसके बाद अगला नंबर आता है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, ज्वेलरी स्टोन्स की, स्टोन ज्वेलरी, और बड़े महंगे अच्छे स्टोन्स थे, सोने चांदी की ज्वेलरी नहीं थी। सोना चांदी गरीब लोग पहनते हैं, अमीर लोग हीरा मोती पहनते हैं, बार बार कहता हूं याद रखिए, ठीक है। यहां पे सब स्टोन्स की ज्वेलरी थी, पत्थर पहनते थे महंगे महंगे लोग। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अगर अर्बनाइज थे तो जाहिर सी बात है मनोरंजन भी करते होंगे। गांव का आदमी मनोरंजन करेगा तो क्या करेगा, बीड़ी पिएगा, 10-20 लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, हो सकता है कुछ अपना वहीं पे बैठे बकवास करें, खाए पिए अपना चल दें। लेकिन शहर का आदमी इंटरटेनमेंट के लिए क्या करेगा, हैं, क्या करेगा, कहां जाएगा, पब जाएगा, बिल्कुल सही। और क्या करेगा, इस समय ना थिएटर थे ना पब थे, डांसर बुलाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट डांस, इनके मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था डांस। इसीलिए अभी मैंने पीछे आपको बताया कि कौन सी मूर्ति मिली, द डांसिंग गर्ल, 6 फीट की मूर्ति है आदम का, न्यूड लड़की है, कपड़े नहीं पहने उसने, उसका पूरा बदन ज्वेलरी से ढका हुआ है, आप लोग देखिएगा कल। तो इससे हमको पता चलता है कि इनकी एंटरटेनमेंट लाइफ बहुत अच्छी थी। ये लोग डांस को प्रायोरिटी पे रखते थे, वेश्यावृत्ति करते थे। उस जमाने में भी कोठे वगैरह हुआ करते थे, उसका एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वेश्यावृत्ति ये लोग करते थे, वो एविडेंस इस बारे में बताते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की एक महान देन है शतरंज का खेल, चेस, यहीं पर इन्वेंट हुआ था। चौसर, यहीं पर इन्वेंट हुआ था चौसर, यानी कि शकुनी का वो खेल जिससे महाभारत का युद्ध हुआ, जिसको लूडो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, तो चौसर उसका सही नाम है। तो चौसर का खेल यहीं पर आया, शतरंज चेस यहीं पर आया, पक्षियों की लड़ाई भी ये लोग करवाते थे, नहीं पक्षियों के पैर में धागा बांध के जो लड़ाते हैं वो भी यहां पर होता था एंटरटेनमेंट के रूप में। ताश, प्ले कार्ड्स यहां पर मिलते हैं। तो ये सब इनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया। इसके बाद हमने शराब वराब भी पीते ही होंगे, अब शराब तो हमें मिलेगी नहीं ढूंढने से एविडेंस के रूप में, तो वो भी पीते ही होंगे जब इतना करते होंगे तो। अब बनाते कैसे थे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और अब आखिरी में नंबर आता है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतनी महान सभ्यता पढ़ने के बाद आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि काश हम भी 2-4 दिन रह लें वहां पे, है ना, तो कम से कम देख लें फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कैसी होती है। हमारे यहां तो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का मजाक उड़ा दिया जाता है,
यहां पे रह लें आप तो कम से कम एक अच्छे क्लाइमेट में ये सब सीख लेंगे। तो सभ्यता इतनी महान थी अगर, तो पतन कैसे हो गया? अलग अलग विचारकों का, अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध हो गया, सब युद्ध में मारे गए, क्योंकि एक जगह पर 18 नरमुंड मिले हैं, सरकटी लाशें मिली हैं सैनिकों की, तलवार अलवार पड़ी है अगल बगल 18, तो 18 डेड बॉडी देख के यह अनुमान तो लग नहीं सकता है कि इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई होगी। कुछ लोगों का कहना है भूकंप आया, कितना मैग्नीट्यूड 21, हो ही नहीं सकता, उसमें तो कहीं ना कहीं कोई ज्योग्राफर, जियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट भी बताता, हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना है पलायन कर गए लोग, पलायन कर गए। अब नोएडा छोड़ के कोई बांगड़मऊ क्यों पलायन करेगा, आप आइडिया लगा लीजिए, अमौसी एयरपोर्ट छोड़ के चकेरी एयरपोर्ट कोई क्यों आएगा, क्यों करेगा पलायन भाई, इस बात में भी दम नहीं है। लेकिन इनमें से किसी भी बात को हम लोग झूठ भी नहीं कह रहे, जिसका जैसा एक्सपीरियंस उसने वैसा बताया। उदाहरण के तौर पे एक बार गुरुजी के कई सारे शिष्य, जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए मैं क्लास में नहीं हूं, आप लोग भिड़े पड़े आपस में किसी टॉपिक को लेकर के, मैंने कुछ पढ़ा दिया, आप लोग उसका डिस्कस करो, अब सब युद्ध चल रहा, तो अपने छात्रों को सही ज्ञान देने के लिए गुरुजी ने मंगाई पट्टियां और सबकी आंखों में बंधवा दी और सबको ले गए जंगल में और एक हाथी के पास, बोले आपके सामने एक जीव खड़ा है जिसका आकार बहुत बड़ा है, अब आप लोगों को रिसर्च करनी है और अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं कि यह जीव कैसा है, रिसर्च पेपर आपके पास है, पहले जाओ उसको छू के अच्छे से चेक कर लो, फिर आके रिसर्च पेपर पे लिखना कि आपने क्या सीखा। 5-7 लड़के जो भी थे सब चले गए अपना, लिपटे जाके हाथी से, किसी के पैर पकड़ में आया, किसी के सूंड पकड़ में आई, कोई छूता रहा उसका पेट, किसी के पूंछ पकड़ में आई। अच्छा, पूरा हाथी कोई पकड़ सकता है? इम्पॉसिबल। 5-7 मिनट सबने उसको छू छू के देख लिया, फिर सब लोग आए और अपना रिसर्च पेपर पे लिखने लगे। तो जिसने पैर पकड़ा वो क्या लिखेगा कि हाथी खंबे के जैसा होता है, और जिसने पूंछ पकड़ी होगी उसने क्या कहा, क्या लिखा होगा कि हाथी जो है वो रोल रोल और बड़ा मुलायम गद्देदार उसके जैसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ी होगी उसने लिखा होगा झाड़ू जैसा होता है। जिसने पेट पे ऐसे ऐसे हाथ फेरा होगा उसने लिखा होगा हाथी दीवार जैसा होता है। लेकिन हाथी हाथी के जैसा होता है ये कोई नहीं लिख पाया होगा, क्योंकि जो जैसा समझेगा वो वैसा लिखेगा। इसमें आप लोगों को कोई गलती नहीं है। तो नॉलेज इज लाइक अ एलिफेंट, और हम लोग हैं नादान लोग, जैसा समझ में आता है वैसा लिख लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी रिसर्चर की बात गलत नहीं होती पूरी तरीके से, जिसने जैसा समझा उसने वैसा लिखा। अब अगर सारी चीजों को क्लब कर दिया जाए, ये सारी जो भी बातें बताई गई अगर इनको क्लब कर दिया जाए तो एक आंसर निकल के आता है क्लाइमेट चेंज। सभ्यता कैसे खत्म हुई होगी? जलवायु परिवर्तन के चलते। जलवायु परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं होता, जैसे इस समय भी क्लाइमेट चेंज अपने चरम पर है। अभी यहां पे आने से पहले मैं वीडियो देख रहा था, वो उसका सिंधु का, मिस यूनिवर्स का, हरनाज का, और मैं 2-3 दिन से वो वीडियो ढूंढ रहा था, अब जाके मुझे मिला। क्योंकि जब भी कोई मिस यूनिवर्स बनती है तो आखिरी में जो फाइनल राउंड होता है उस राउंड को क्वेश्चन आंसर राउंड बोलते हैं। ये नहीं कि चमक रही हो बन गई जाके मिस यूनिवर्स, है कुछ दिमाग में कि भूसा भरा हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका ओपिनियन लिया जाता है कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में। तो उसमें जिसका बेस्ट आंसर होता है वो मिस यूनिवर्स बनती है। ये ब्यूटी, खूबसूरती, बिकनी और नेल पॉलिश तो सब प्राइमरी राउंड में होती है, आखिरी में नॉलेज ही चेक किया जाता है। तो वो वीडियो फाइनली मुझे अब मिला, तो जो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया सिंधु से, जिसका आंसर देके वो मिस यूनिवर्स बन गई, वो क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज अ कॉक्स और हैव सम रियलिटी, और लड़की ने जो आंसर दिया वो ज्यूरी सुनती रही, बन गई मिस यूनिवर्स। तो देखिए क्लाइमेट चेंज कहां तक आ रहा है कि खूबसूरती की प्रतियोगिता है तो वो भी क्लाइमेट चेंज का आंसर देकर के जीती लड़की ने। तो क्लाइमेट चेंज से ये सभ्यता खत्म हुई। क्लाइमेट चेंज कभी भी एक दिन में नहीं आता,
कोई भी सभ्यता कभी एक दिन में नहीं खत्म होती, ना सभ्यता एक दिन में बनती है ना एक दिन में खत्म होती है। मैंने क्या बताया, ये जितनी भी कहानियां हम लोगों ने आज सीखी ये सब इस टाइम पीरियड के आसपास रही होंगी, लेकिन जो सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट यहां से शुरू हुआ होगा, और अगर यहां से इसका डिक्लाइन भी मान लें तो डिक्लाइन होते होते ये टाइम पीरियड आ गया होगा। 100, 200, 500 कभी कभी 1000 साल लग जाएंगे सभ्यता को खत्म होते होते, और इतने ही साल लग जाएंगे सभ्यता को बनते बनते, ये एक दिन का काम नहीं होता है। तो हो सकता है कि नदी में इंफेक्शन फैल गया हो, पानी दूषित हो गया हो, लोग पी के बीमार पड़ गए हो, और बहुत संख्या आबादी, पहले इस पॉइंट को कोई नहीं मानता था, आज से 3-4 साल पहले जब किसी को बताओ कि हो सकता है कि नदी में इंफेक्शन फैल गया हो, लोग पानी पी के बीमार पड़ गए हो, फिर मर गए हो, फिर ये जगह छोड़ दियो, तो बच्चा सामने तो हाँ कर देगा लेकिन पीठ पीछे ये कहेगा कि जब कोई पॉइंट ना मिले तो यही बता दो। लेकिन कोरोना आने के बाद तो आप समझ रहे हो कि ये हो सकता है, तो हो सकता है ये हुआ, कोरोना जैसी कोई बीमारी आ गई हो, आज आपके पास वैक्सीन है, मास्क है, तब ये हालत है, सोचो तब लोगों की क्या हालत हुई होगी। तो एक दिन में सिविलाइजेशन खत्म नहीं होती, बहुत सारे रीजन रहे होंगे, हो सकता हैवी रेनफॉल हो गई हो कई साल तक, या हो सकता है कई साल तक सूखा पड़ गया हो, फमाइन आ गया हो, अकाल पड़ गया हो, तो ये सारे छोटे छोटे कॉज मिलकर एक बड़ा कॉज तैयार होगा जिसको क्लाइमेट चेंज कहेंगे, और क्लाइमेट चेंज के चलते ये सभ्यता खत्म हुई तो लोग स्विच कर गए। कहां से कहां स्विच कर गए, लोगों ने इंडस रिवर को छोड़ दिया होगा और धीरे धीरे इस तरफ आगे बढ़ने लगे होंगे, और यहां पे आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पीरियड ऐसा आया होगा जब इनको फिर से चेन ऑफ रिवर्स मिली होंगी, और यहां पर जो सभ्यता डेवलप हुई होगी उसको वैदिक सभ्यता कहेंगे। हालांकि वैदिक सभ्यता का पूरा रीजन यही है, सप्त सैंधव प्रदेश, जिसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, लेकिन हुआ कुछ यही होगा। इतिहास में इतिहास को समझने के लिए कई बार इंटेलिजेंट गेस भी काम आते हैं, आपको गेस भी लगाना पड़ता है कि नहीं ये हुआ होगा। अब अगर गांधी जी का इतिहास हो, पंडित नेहरू का इतिहास हो, तो वो तो सब अवेलेबल है चिट्ठियों में, लेटर्स में, अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स में भी सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन 2-3 हजार साल पुराना इतिहास जो है उस पर कई बार आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है, कई सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस के रूप में, कई सारे कॉन्सेप्ट्स के रूप में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। खासतौर पर सभ्यता का मैप आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ट्राइंगुलर शेप में किस तरीके से ये थी। अब यहां से रिलेटेड एविडेंस, इससे रिलेटेड वो फेमस क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, और तैयारी के लिए जरूरी चीजें, जरूरी चित्र, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे पार्ट टू में। कल हम लोग केवल पीपीटी के माध्यम से चित्र देखेंगे और इसको क्लियर करते चलेंगे। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।